हेलो दोस्तों और हमारे प्रिय छात्रगण, स्वरूप सर की ओर से ज्योग्राफी के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज की टॉपिक है झारखंड ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 4 का। आपको आज नोट्स लिखना है और नोट्स का चैप्टर है झारखंड के वन और वन प्रबंधन, झारखंड फॉरेस्ट एंड मैनेजमेंट। छात्रगण, इसके पहले आपको मैंने झारखंड का फॉरेस्ट, उसकी मैनेजमेंट, प्रबंधन और 2019 की रिपोर्ट के बारे में हमने सारी बातें बताई थी कि उसकी क्या अभी का रिपोर्ट क्या है, फॉरेस्ट पे, झारखंड के फॉरेस्ट के लेवल पे उस रिपोर्ट में क्या कही गई है, ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी छात्रगण। तो आज बारी है नोट्स लिखने की और आपके नोट्स का चैप्टर का हेडिंग होगा झारखंड के वन और वन प्रबंधन। ओके छात्रगण, तो नोट्स लिख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, किसी भी देश प्रदेश का वन इस बात पर निर्भर करता है कि किसी भी देश का प्रदेश का वन इस बात पर निर्भर करता है कि वहां की वर्षा कैसी है, वर्षा कैसी है। उसे लिखिएगा, उसी में चेंज मत कीजिएगा। झारखंड में औसत वर्षा 125 से 140 सेंटीमीटर के बीच है। ऐसे में झारखंड में वनों की प्रतिशतता 29.62 प्रतिशत है, जो भारत के कुल वनों का 3.5 प्रतिशत है। नेक्स्ट पॉइंट, किसी भी स्थान के अच्छे पर्यावरण के लिए कम से कम 33% वनों का होना अति आवश्यक है। 33% वनों का होना अति आवश्यक है। अतः देखा जाए तो झारखंड के वनों की प्रतिष्ठा अच्छी मानी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, झारखंड में वनों को बांटने का दो आधार है। प्रथम प्रशासनिक और सुरक्षा तथा द्वितीय जलवायु के आधार पर।
नेक्स्ट पॉइंट, झारखंड के वनों को प्रशासनिक और सुरक्षा, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सिक्योरिटी, झारखंड के वनों को प्रशासनिक और सुरक्षा के दृष्टिकोण से तीन भागों में बांटी जाती है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सिक्योरिटी, तीन भागों में बांटी जाती है। नंबर वन, नंबर वन लिखिए, संरक्षित वन, संरक्षित, संरक्षित वन, दैट मीन्स प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट, प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट, संरक्षित वन फर्स्ट पॉइंट है। अब इस फर्स्ट का नंबर वन है, अब इस फर्स्ट का फर्स्ट पॉइंट लिखिए, वैसे वन जहां मनुष्यों को, वैसे वन जहां मनुष्यों को अपने पशुओं को चराने, वैसे वन जहां मनुष्यों को अपने पशुओं को चराने और लकड़ी काटने की इजाजत, पशुओं को चराने और लकड़ी काटने की इजाजत होती है, बशर्ते वह वनों को बहुत ज्यादा क्षति, बशर्ते वह वनों को बहुत ज्यादा क्षति ना पहुंचाए, ना पहुंचाए। ऐसे वनों को संरक्षित, प्रोटेक्टिव वन के नाम से जाना जाता है। यद्यपि, उसी में लिखेगा, यद्यपि इस प्रकार के वनों पर सरकार विशेष निगरानी भी रखती है, विशेष निगरानी भी रखती है। इसी का नेक्स्ट पॉइंट, झारखंड में संरक्षित वन कुल वनों का, कुल वनों का 81.27% है, प्रतिशत है। और इस प्रकार के वनों का विस्तार यद्यपि पूरे झारखंड पर है, यद्यपि इस प्रकार के वनों का विस्तार पूरे झारखंड पर है, परंतु उसमें से भी हजारीबाग जिला का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है। इसके पश्चात क्रमशः गढ़वा, क्रमशः गढ़वा, पलामू, रांची का स्थान आता है, का स्थान आता है। नेक्स्ट लिखिए, नंबर टू वन, नंबर टू लिखिए, सुरक्षित, नंबर टू है सुरक्षित या आरक्षित, सुरक्षित या आरक्षित, जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में रिजर्व फॉरेस्ट, रिजर्व है, रिजर्व्ड फॉरेस्ट, सुरक्षित या आरक्षित वन। इसमें लिखिए, वैसे वन जहां मनुष्यों को जाने और पशुओं को चराने, वैसे वन जहां मनुष्यों को जाने और पशुओं को चराने की पूर्णतः मनाही होती है, बैन होती है, और इस प्रकार के वन पूरी तरह सरकारी संपत्ति होती है, सरकारी संपत्ति होती है। ऐसे वनों को रिजर्व फॉरेस्ट,
सुरक्षित या आरक्षित वन के नाम से जानते हैं। उसी में इस प्रकार के वन कुल वनों का 18.58% है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट में है सुरक्षित वनों का सर्वाधिक विस्तार या इसका सबसे बड़ा क्षेत्र, बड़ा क्षेत्र सिंहभूम का पोरहाट क्षेत्र, देखिए सिंहभूम है साउथ में, सिंहभूम का पोरहाट क्षेत्र और कोल्हान, सिंहभूम का पोरहाट और कोल्हान क्षेत्र है, सिंहभूम का पोरहाट और कोल्हान क्षेत्र है। इसके अलावा इस प्रकार के वन राजमहल के वन क्षेत्र तथा पलामू में भी पाई जाती है, पलामू में भी पाई जाती है। उसी का नेक्स्ट पॉइंट, झारखंड के लगभग सभी राष्ट्रीय पार्क, वन्य जीव अभयारण्य, वही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, झारखंड के लगभग सभी राष्ट्रीय पार्क, वन्य जीव अभयारण्य, जैविक उद्यान, जैविक उद्यान बायोलॉजिकल पार्क इत्यादि इत्यादि सुरक्षित वनों का ही एक भाग है, सुरक्षित वनों का ही एक भाग है या उसी वन में स्थित है, उसी वन में स्थित है। और नंबर थर्ड लिखिए अवर्गीकृत, अवर्गीकृत वन, इसे बोलते हैं अंग्रेजी में अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, अवर्गीकृत, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, अवर्गीकृत वन। लिखिए इसमें वैसे वन जो ना ही संरक्षित में है ना ही सुरक्षित में है, वैसे वन जो ना ही संरक्षित में है ना ही सुरक्षित में है, ऐसे वनों को अवर्गीकृत, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट कहते हैं, अवर्गीकृत वन कहते हैं। जो कुल वनों का 1% से भी कम, कुल वनों का 1% से भी कम, मात्र 0.14% है, परसेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, अवर्गीकृत, इसी का अवर्गीकृत वनों का सर्वाधिक विस्तार, सर्वाधिक विस्तार साहेबगंज में है, इसके बाद पश्चिमी सिंहभूम, हजारीबाग और पलामू का स्थान आता है। स्थान आता है, ओके। अब लिखिए नंबर, हेडिंग दीजिए आप लोग, जलवायु के आधार पर, हेडिंग है जलवायु के आधार पर वनों का वर्गीकरण, जलवायु के आधार पर हेडिंग होगा वनों का वर्गीकरण।
अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट्स। देखिए इसमें झारखंड के वनों को जलवायु अर्थात तापमान, वर्षा, आर्द्रता, हवा के आधार पर यहां के वनों को तीन भागों में बांटते हैं। नंबर वन है शुष्क पतझड़ वन, ड्राई शेडियस फॉरेस्ट, शुष्क पतझड़ वन। पतझड़ है, पत्ती झड़ती है वन में, एक टाइम में साल में एक बार बसंत ऋतु में पत्ता झड़ती है, शुष्क पतझड़ वन। इस पॉइंट का फर्स्ट पॉइंट आप लोग लिखिए, फर्स्ट पॉइंट, झारखंड में जहां वर्षा 120 सेंटीमीटर से कम होती है, झारखंड में जहां वर्षा 120 सेंटीमीटर से कम होती है वहां पर उगने वाले वनों को शुष्क पतझड़ वन कहते हैं। छात्रगण, अब हम लोग मैप पे आते हैं और देखेंगे मैप में एरिया का कहां है। देखिए उसी का नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट, शुष्क पतझड़ वनों का सर्वाधिक विस्तार, देखिए मैप में कहां है, शुष्क पतझड़ वनों का सर्वाधिक विस्तार झारखंड के, देखिए यहां झारखंड के उत्तरी भागों पर देखा जाता है। शुष्क पतझड़ वनों का विस्तार झारखंड के उत्तरी भागों पर देखा जाता है, जिसका विस्तार गढ़वा, पलामू, चतरा, उत्तरी हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, दुमका, साहिबगंज इत्यादि क्षेत्रों पर है। नेक्स्ट पॉइंट, शुष्क पतझड़ वन का मुख्य वृक्ष साल या सखुआ है, लेकिन इन क्षेत्रों पर झाड़ियां और घास भी स्पष्ट रूप से देखा जाता है। उसी में इस प्रकार के वनों की विशेषता है कि यहां सघनता मतलब फॉरेस्ट की सघनता, डेंस ऑफ फॉरेस्ट, यहां सघनता पेड़ों की कम दिखाई पड़ती है, परंतु जहां नदी घाटी का क्षेत्र है वहां वनों की सघनता ज्यादा दिखाई पड़ती है। छात्रगण, अब सेकंड पॉइंट में है, देखिए सेकंड पॉइंट, आद्र
प्राय द्वीपीय मॉइस्ट पेनिनसुलर फॉरेस्ट, आद्र प्राय द्वीपीय वन। नंबर सेकंड पॉइंट है आद्र प्रायद्वीपीय वन। देखिए इसमें, इसका देखिए फर्स्ट पॉइंट, झारखंड के 120 सेंटीमीटर, यहां था 120 से कम, यहां 120 सेंटीमीटर से ज्यादा, झारखंड के 120 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा वाले स्थान पर, ज्यादा वर्षा वाले स्थान पर आर्द्र प्रायद्वीपीय वनों का विस्तार है, वनों का विस्तार है। जहां अधिक वर्षा ऊंचाई, अधिक वर्षा ऊंचाई और तापमान, इस प्रकार के वनों के विकास के लिए, इस प्रकार के वनों के विकास के लिए उपयुक्त होती है, सुटेबल उपयुक्त होती है। उसी का नेक्स्ट पॉइंट है झारखंड में इस प्रकार के वन मुख्य रूप से दक्षिणी सिंहभूम, ये साउथ में, झारखंड के साउथ में दक्षिणी सिंहभूम, दक्षिणी रांची, लातेहार, छात्रगण मैप पे देखिए, देखिए मैप में कहां पर होगा, दक्षिणी सिंहभूम, दक्षिणी रांची, लातेहार, संथाल परगना में मुख्य रूप से देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, उसी का नेक्स्ट पॉइंट, इस प्रकार के वन का मुख्य वृक्ष साल या सखुआ ही है, इसके अलावा शीशम, जामुन, पलाश, महुआ, शेमल, बांस इत्यादि भी मुख्य वृक्ष है, जिसमें से साल वही सखुआ जो झारखंड का राजकीय वृक्ष भी है, और इसे पर्णपाती मतलब पत्ती का गिर जाना, और इसे पर्णपाती वनों का राजा, किंग ऑफ जंगल, पर्णपाती वनों का राजा भी कहते हैं, भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आद्र प्रायद्वीपीय वन, इसी का चल रहा है अभी, आद्र प्रायद्वीपीय वन की विशेषता है कि यहां पेड़ों की सघनता अधिक होती है, साथ ही साथ पेड़ की मोटाई और ऊंचाई भी ज्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट छात्रगण, नंबर थर्ड पॉइंट है शुष्क प्रायद्वीपीय वन, यहां वर्षा मध्यम है, मध्यम प्रकार का। चलिए फर्स्ट पॉइंट, झारखंड में शुष्क प्रायद्वीपीय वन का विस्तार उन क्षेत्रों पर है जहां वर्षा मध्यम प्रकार की है, मध्यम मिडिल, नॉर्थ से ज्यादा साउथ से कम,
मध्यम प्रकार की है, अर्थात उत्तरी क्षेत्रों से ज्यादा और दक्षिणी क्षेत्रों से कम। ऐसे में इस प्रकार के वनों का विस्तार झारखंड के मध्य भागों पर है। अर्थात पूर्वी लातेहार, लोहरदगा, रांची, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, धनबाद फुल स्टॉप, जहां वनों की सघनता न ज्यादा है न कम है, और अन्य क्षेत्रों की तरह यहां के भी मुख्य वृक्ष साल या सखुआ ही है। अब छात्रगण, आपका हेडिंग होगा, आप हेडिंग दीजिए, उसी में हेडिंग होगा वन स्थिति रिपोर्ट। लिखिए आप लोग वन स्थिति रिपोर्ट 2019। हेडिंग होगा फॉरेस्ट स्टेटस, वन स्थिति रिपोर्ट 2019। और इसका फर्स्ट पॉइंट लिखिए आप लोग, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड में वनों का विस्तार 23,611 वर्ग किलोमीटर हो गया है। अर्थात जो 2017 की तुलना में 58.14 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। नेक्स्ट पॉइंट, वर्तमान में सर्वाधिक वन क्षेत्र फॉरेस्ट एरिया, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार और चतरा का कर्मशः स्थान है, इन सीरीज कर्मशः स्थान आता है स्थान आता है नेक्स्ट पॉइंट। इसी प्रकार नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में सर्वाधिक वनों की प्रतिष्ठा या वनों का वितरण
में लातेहार, चतरा, पश्चिमी सिंहभूम और कोडरमा का स्थान आता है और कोडरमा का कर्मशः है, कोडरमा का कर्मशः स्थान आता है, स्थान आता है जिसमें से लातेहार में वनों का वितरण 56.08% है, 56.08% है। नेक्स्ट पॉइंट, नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के न्यूनतम वन प्रतिशत, मिनिमम फॉरेस्ट एरिया, न्यूनतम वन प्रतिशत वाला जिला जामताड़ा है, इसके बाद देवघर, धनबाद और दुमका, देवघर, धनबाद और दुमका का स्थान आता है जिसमें से जामताड़ा में वनों का विस्तार मात्र 5.56% है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ताजा रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में अति सघन वन, हाई डेंस फॉरेस्ट एरिया, अति सघन वन का सर्वाधिक विस्तार सिंहभूम क्षेत्रों पर ही है। छात्रगण, आपका फिर हेडिंग दीजिए, झारखंड के वन प्रबंधन। देखिए, इसका देखिए फर्स्ट पॉइंट, भारत में प्रथम वन नीति 1952 फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी इन इंडिया, झारखंड प्रथम वन नीति 1952 में बनी और बाद में 1988 में राष्ट्रीय वन नीति, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा की गई। यद्यपि उसे लिखिएगा, यद्यपि झारखंड में वन प्रबंधन का सर्वप्रथम प्रयास, यद्यपि झारखंड में वन प्रबंधन का सर्वप्रथम प्रयास जे एफ हैबिट के द्वारा 1882-83 से आरंभ किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, झारखंड के वनों का समुचित प्रबंधन करने के उद्देश्य 2001 में संयुक्त वन प्रबंधन संकल्प, ज्वाइंट
फॉरेस्ट मैनेजमेंट एक्ट, संयुक्त वन प्रबंधन संकल्प का प्रतिपादन किया गया, जिसके तहत 31 प्रादेशिक प्रमंडल, 31 प्रादेशिक प्रमंडल, 10 सामाजिक वानिकी और सोशल फॉरेस्ट्री, 10 सामाजिक वानिकी प्रमंडल, 10 सोशल फॉरेस्ट्री प्रमंडल एवं 4 विश्व खाद्य प्रमंडल वर्ल्ड फूड, 4 विश्व खाद्य प्रमंडल की स्थापना हुई, नेक्स्ट पॉइंट, राज्य में वनों के विकास हेतु और वन नीति के तहत 10,000 वन समिति, फॉरेस्ट कमिटी, 10,000 वन समितियों का गठन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, झारखंड के वनों को प्रोत्साहन और लोगों को प्राकृतिक के साथ जोड़ने के उद्देश्य से 2015 में इको टूरिज्म नीति की स्थापना की गई, नेक्स्ट पॉइंट, राज्य में वनों के विस्तार हेतु 2015 में मुख्यमंत्री जन वन योजना, लागू की गई, खासकर इसमें निजी भूमि पर वनों को प्रोत्साहन देना है, जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति अपने निजी भूमि पर वनों को लगाता है तो उसे विशेष सब्सिडी और प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो छात्रगण, झारखंड का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है झारखंड फॉरेस्ट और इसकी मैनेजमेंट। आपने देखा झारखंड पर वनों की ताजा रिपोर्ट क्या है, वन प्रबंधन के लिए कौन कौन से काम किए जा रहे हैं, फॉरेस्ट को बांटने का 2 बेस क्या है, 2 बेस का टाइप्स क्या है और कौन कौन एरिया में किस प्रकार के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो छात्रगण, एक बार फिर हम नई ऊर्जा के साथ झारखंड टॉपिक को पर फिर मिलते हैं। तब तक के लिए मेरी तरफ से आपको अलविदा।